वेलकम टू मगन टू माई चैनल। आज हम बाली बिस्किट से केक बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही झटपट से बन जाता है ये केक और 20 रुपए में आपका केक बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत सस्ता केक बनता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, घर में बनाकर खा सकते हैं इस केक को। तो चलिए हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने 20 रुपए वाला पैकेट लिया है पार्ले बिस्किट। आप किसी भी बिस्किट से बना सकते हैं केक। इस पैकेट में 4 पैकेट होता है बिस्किट और हम इसे एक पैकेट मैंने निकाल लिया है, दूसरा भी इसी तरह से निकाल लेंगे। ये मैंने मिक्सी जार ले लिया है और इसी में सारे बिस्किट को तोड़ के हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 पैकेट इसमें डाल दिया है बिस्किट और थोड़ी सी हम इसमें चीनी डालेंगे क्योंकि बिस्किट बहुत मीठा होता है, चीनी हम बहुत कम डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं चीनी और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत फाइन सा पाउडर बना लेंगे पहले। फिर ग्राइंड कर लिया है बिस्किट और अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा बहुत फाइन सा पाउडर बनके तैयार हो गया है और आप चाहें तो इसी तरह से सादा बना सकते हैं इस केक को और ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में, लेकिन हम इसे चॉकलेटी फ्लेवर देंगे। तो इसके लिए हमने कोकोआ पाउडर लिया है, 2 चम्मच हम डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है केक का। अगर आपके पास नहीं है कोकोआ पाउडर तो आप ऐसे सादा भी बना सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस केक को बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसमें मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर की, ना ही हमारे बर्तन बहुत गंदे होते हैं और बहुत फटाफट से आप बनाकर खा सकते हैं इस केक को। तो अब इसमें हम तेल डाल देंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच मैंने नॉर्मल दूध लिया है और इसे डाल देंगे। थोड़ा करके दूध डालेंगे, इसे लम्स नहीं बनेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हम इसी जार में ही बना लेंगे इसका बैटर केक का और फिर डायरेक्ट ही टिन में डाल देंगे। केक टिन में थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे, वैसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को बनाने के लिए मैंने 1 कप दूध लिया था और 1 कप दूध में थोड़ा सा मैंने बचा लिया है और मैंने सभी दूध को डाल दिया था 1 कप दूध। और इसमें देखिए बहुत अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो गया है केक का। इसमें हम डालेंगे काजू, आप चाहें अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर आप सादा बना सकते हैं। काजू थोड़ा बच्चों को बहुत पसंद आता है काजू डालने से और उन्हें फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है काजू डालने से, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में केक का। इसे मैंने मिक्स कर दिया है और इसमें अब इस केक में हम डालेंगे इनो। मेरे पास एक इनो है और 1 चम्मच इनो से हमारा केक बनके तैयार हो जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध डालने से एक्टिवेट होने लगता है हमारा इनो और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसे केक में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस आप चाहें जिसे एक बार चर्न कर सकते हैं मिक्सी में, मैं इसे हाथ से ही मिलाऊंगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स पहले से मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे गर्म होने के लिए और मैंने नमक डाल दिया है प्री हीट होने के लिए। और कढ़ाई में हम बनाएंगे इस केक को, आप कढ़ाई या कुकर में बना सकते हैं। बटर पेपर लगा सकते हैं केक टिन में और मैंने ग्रीसिंग करी है और मैंने इसमें मैदा लगाकर इसे कोटिंग कर लिया है जिससे हमारा केक नहीं चिपकेगा। और अब तैयार हो गया है हमारा केक का बैटर, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। और अब तुरंत ही डालेंगे केक टिन में। मैंने बैटर डाल दिया केक टिन में और इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे, इससे हमारा केक अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं केक। आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए, इसमें हमने नमक डाल दिया था प्री हीट होने के लिए। और अब इसमें हम एक स्टैंड डालेंगे, पुराना सा स्टैंड मेरे पास है, इसे हम रख देंगे। थोड़ा सा केक रख देंगे कढ़ाई, मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब इसे 20 मिनट के लिए हम पकने देंगे, बेक होने देंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे। बीस से 25 मिनट हो गए हैं, केक को हम चेक कर लेंगे। खोल इसे हम चेक कर लेंगे टूथ पिक से या फिर चाकू से आप कर सकते हैं। तो मैंने इसे स्टिक से मैंने किया है चेक, देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन आ रहा है। हमारा केक बनके तैयार हो गया है। इसमें 20 से 25 मिनट लगते हैं पकने में। तो 25 मिनट में हमारा केक तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो हमारा केक ठंडा हो गया है फ्रेंड्स और अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। तो थोड़ा चाकू से हम इसे साइड से इसे कट कर लेंगे
इससे क्या होगा, हमारा केक बहुत आराम से आसानी से निकल जाएगा। एक प्लेट इस तरह रखेंगे और अब थोड़ा सा हम इसे गार्निशिंग करेंगे फ्रेंड्स। इसमें चॉकलेट सिरप लगाएंगे, आप चाहें तो इसे सादा इस तरह से खा सकते हैं। और चॉकलेट सिरप लगाने से बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा हम लगाएंगे चॉकलेट सिरप ऊपर से। बहुत ही अच्छा केक बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं। और इसको स्प्रेड कर देंगे। अगर चॉकलेट सिरप नहीं हो आपके पास, कोकोआ पाउडर से भी आप सिरप बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम काजू डालेंगे गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर आप चोको चिप्स, या फिर आपको जो भी पसंद हो। मैंने इसमें काजू डाला है। इसे केक को कट करेंगे। तो देखिए हमारा केक बनके तैयार हो गया है, बहुत अच्छा बना है आप देख सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट बना है आप देख। तो फ्रेंड देखिए हमारा 20 रुपए का केक तैयार हो गया है, और 20 रुपए में केक आप बना सकते हैं घर में। और ये कोई सोच भी नहीं सकता कि हमने 20 रुपए में केक बनाया है, क्योंकि ये घर में ही मुमकिन है, मार्केट से लाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, इतना महंगा केक मिलता है मार्केट में। तो आप भी इस तरह से केक बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, अपने बच्चों को खिलाइए बनाकर। छोटी मोटी पार्टी में आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है ये केक और बहुत आसान है बनाना। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं इसमें कमेंट करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।